तो ये है भाई कोलम बीच जो कि आपने देखा, और ये हमारे दूसरे ट्रैवलर अभिलाष। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अभी है हम लोग कोलम जंक्शन के बाहर खड़े हुए हैं। ये देखो कितना बढ़िया रेलवे स्टेशन है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लो। बाकी मैं बता देता हूँ कि अभी हम लोग कोलम पहुँचे हैं। कोलम में पहली बार आया हूँ। अब हम लोगों को जाना है यहाँ पे बीच। सुना है यहाँ पे बीच है आसपास, तो बीच पे चलते हैं और अभी देखते हैं कि और क्या देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी लास्ट वीडियो में देखा होगा लॉटरी वगैरह ले ली है, जैसे उसका कुछ नंबर आता है बताते हैं आपको। तो अभी चलते हैं भाई, स्टोरी पोस्ट कर रहा है अभी तो। भाई पहले कुछ पेट पूजा हो जाए, कुछ भी नहीं खाया है, यहीं चलते उड़पी रेस्टोरेंट। तो भैया सीन ऐसा हो गया कि हम लोग की एक गलती हो गई कि आते टाइम हम लोगों ने मेरी नहीं गलती है, गलती इसकी है, मानस को और क्या बोलते हैं अमन को नहीं बताया कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। भाई वो बहुत गरिया रहे हैं फोन लगा लगा के। तो भाई दिल से सॉरी उन दोनों के लिए, सॉरी मानस भाई, अमन भाई और पूर्वी भाभी की वजह से हमने अमन को इनवाइट नहीं किया। एंड मानस क्रिएट ए कन्फ्यूजन, उसने कन्फ्यूजन किया, मैंने उसको इन्फॉर्म किया था, बट थोड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। मैं भी सॉरी बोलूँगा मानस को कि मुझे पता था दो तीन दिन से, बट मैंने उसे बताया नहीं, शायद मेरे माइंड से निकल गया कि क्या। तो कोई नहीं, होती रहती है गलतियाँ। बाय द वे हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं कोलम बीच। सो पहुँचते हैं, काफ़ी सस्ता ही मिला है, 60 रुपये लिए। बाकी ऐसा ना हो कि आधा ही किलोमीटर तो ज़्यादा महंगा पड़ गया हो। बाकी चल के देखते हैं कि डिस्टेंस कितने क्या है। सो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया भाई, वो रेस्टोरेंट गए थे उड़पी, उन्होंने बोला भाई क्लोज हो गया है, वहाँ से आ गए हैं। अब जा रहे हैं बीच साइड, क्योंकि टाइम नाश्ते का नहीं है, टाइम तो लंच का हो गया, 12:15 बज रहे हैं। बाकी पहुँचते हैं और आप ये देखो खूबसूरत नज़ारे कोलम के, क्योंकि एक अच्छा ही शहर है ये भाई। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कोलम की बीच पे, बट यहाँ पे स्विमिंग करना अलाउ नहीं है क्योंकि काफी गहरा लग रहा है। समंदर देख के एक्साइटमेंट लग रहा है, देख रहे हो लहरें, देख रहे हो भाई। यहाँ पे लेकिन काफी डीप है, बहुत डीप है यार यहाँ पे। तो भाई तो देखने से लग रहा है वहाँ पे कलर देखो, की क्या सीन है यार, लैंड सेंड यार, अनंत सागर, इनफाइनाइट। सो हाँ, तो यहाँ बीच पे हम लोग पहुँच गए हैं और ये रेलवे स्टेशन से बहुत पास में है, बहुत पास में है। हम लोग को जस्ट 60 रुपये लगे और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। समथिंग डिस्टेंस क्यों, 2 किलोमीटर होगा, 4 नहीं बे, 8 समथिंग, 2 किलोमीटर आप समझ लो, एग्जिट नहीं बता रहा हूँ, 2.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है। सो काफ़ी पास में, अगर कभी आप कोलम आते हो तो इस बीच पे ज़रूर आओ आप, बिल्कुल काफ़ी बढ़िया बीच है देखने के हिसाब से, क्योंकि पानी भी अच्छा साफ है और साथ ही यहाँ पे यार तुम लहरें देखो कितनी हैवी लहरें आ रही हैं। वेव्स का जो फॉर्म है ना वो काफ़ी हैवी है। साथ ही वहाँ पे मुझे एक दिख रहा है भाई, एक शिप खड़ा हुआ। तो जैसा कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वहाँ पे होना सही है, वहाँ पे होना चाहिए कोई छोटा सा या बड़ा भी हो सकता है शिपयार्ड। तो वैसे काफ़ी दिन से मेरी तमन्ना है कि मैं शिपयार्ड देखूँ भाई, इतनी बड़ी बड़ी जो हैवी शिप होती हैं उनका जो मेंटेनेंस है वो कैसे होता है। बाकी लहर देखो भाई कितनी हैवी आई है, यहाँ कितना डीप है, अगर गलती से चले गए तो वहाँ फंस जाएंगे, लेकिन हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि भाई आप पानी के अंदर मत जाओ, नहाओ मत। हम लोग बस जस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं। सो अभी टाइम हुआ है भाई 1:15 बज गया है, और अभी हम लोगों को जहाँ जाना है वो लोकेशन भी यहाँ से समथिंग 50 किलोमीटर दूर है जहाँ पर हम जा रहे हैं। एक्चुअली मैं सारी स्टोरी आपको बता देता हूँ क्या है, मेरे साथ अभिलाष जो आया है ना, तो इसका एक दिन मेरे पास फ़ोन आया समथिंग 2 दिन पहले,
कि भाई केरला चलें। मैंने कहा केरला में कहाँ चलना है? तो उसने कोई एक लोकेशन बताई, बोला मेरा एक फ्रेंड है, उसके उसके घर का भाई गृह प्रवेश है, उसका घर गृह प्रवेश है, तो उसने बुलाया है। तो जैसे उसने बोला कि भाई गृह प्रवेश है, कितनी हैवी हैवी वेव आ रही है ना, तो मिल्की वेव आ रही है पूरी। तो जैसे उसने बोला कि भाई गृह प्रवेश है, मैं समझ गया कि कहीं भाई ऐसी जगह होगी जहाँ शायद मैं कभी जा नहीं सकता। तो मैंने तुरंत हाँ बोला अभिलाष को, मैंने कहा भैया चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि ऐसी जगह भाई जा नहीं पाते टूरिस्ट प्लेस की वजह से। तो इनने जैसे ही फ़ोन लगाया, हमने तुरंत हाँ बोला, वो हम इनके साथ आ गए। हम लोगों का कोई प्लान नहीं है कि हमें जाना कहाँ, मेरी फ़ोटो खींच, बस इनकी हम फ़ोटो थोड़ी खींच दे, बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो हाँ, मैं बता रहा था कि इनका फ़ोन आया, मैंने कहा चलो भाई, और हम लोग यहाँ पे आ गए। कैसे आए हैं वो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, बाकी पास में बीच है तो हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। थोड़ी देर यहाँ पे घूमेंगे, इसके बाद हमारा प्लान है कि हम लोग यहाँ से बाइक रेंट पे करें, उसके बाद वो जो लोकेशन है जिसको पुनलूर बोलते हैं, क्यों पुनलूर ही बोलते हैं ना, हाँ, तो हमें जहाँ पे जाना है वो है पुनलूर करके लोकेशन का नाम है। अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। सो वहाँ पे हमें जाना है और शाम तक हमें पहुँचना है। सो देखते हैं, बाकी सामान वामान हमारा वहाँ पे रखा है, काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। सो थोड़ी देर यहाँ पे इंजॉय करेंगे, इसके बाद देन निकलेंगे। सो आप यहाँ का ये बीच देखो, और यहाँ का मैं एक बढ़िया सा मस्त एक वीडियो शूट करता हूँ, आप उसे देखो, एंजॉय करो, पसंद आए तो लाइक करो। साथ ही भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, जो भी वीडियो से रिलेटेड अपडेट होते हैं लेटेस्ट वो सारे वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और साथ ही मैंने लास्ट वीडियो बोला था बुंदेलखंडी में ज़्यादा बात करेंगे, सो भैया आ रहो, बीच बीच में आ रही जा रही बुंदेलखंडी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अवे हैं कोलम बीच पे। सो यहीं पे बढ़िया मज़े कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। भैया कितने का दिया? भैया ये दिया 150 रुपया देगा, 150 का देगा, नहीं लेना। सो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ बिताने के बाद समथिंग 1.5 घंटे या 2 घंटे यहाँ पे हम लोग रुके, अब यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा जा रहा है इस साइड के लिए, इस साइड भी कुछ है देख के आते हैं। तो ये है भाई कोलम बीच जो कि आपने देखा, और ये हमारे दूसरे ट्रैवलर अभिलाष, तो हम लोग अभी पैदल ही जा रहे हैं। धूप बहुत तेज़ लग रही है, जब हम लोग सुबह आए थे तब मौसम बिल्कुल एक नंबर था, मौसम अभी भी अच्छा है, अभी थोड़ा सा गर्म हो गया है, लेकिन अब यहाँ से आगे जाएंगे लहरें। सोचा था बीच के पास जाके नहाएंगे बट हम नहा नहीं पाए, एक्चुअली डीप है यहाँ पे, भाई सेफ नहीं है यहाँ पे नहाना, इसलिए अंदर नहीं जा रहे हैं। पीछे ये जूते देख रहे होंगे भाई, इनको एडजस्ट करना है थोड़ा, एक्चुअली यहाँ पे चलने में दिक्कत होती है, रेत वगैरह भर जाती है जूतों में। सो जूते निकाल के रख लिए मैंने। बरकला बीच यहाँ से जस्ट 25 to 27 किलोमीटर है, वहाँ भी जा सकते बट अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जाने का कोई अभी हमारे पास साधन नहीं है, सेकंड टाइम भी नहीं है, हमें जो एंड लोकेशन पे पहुँचना है वहाँ शाम तक हमें पहुँचना है कैसे भी करके। तो अब हम लोग कोलम बीच से निकल रहे हैं, जस्ट यहाँ सामने एक स्टैचू है, अभी चल के दिखाते हैं कैसा क्या स्टैचू है। ये है भाई, सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये था कोलम बीच जो कि आपने अभी देखा, यहाँ पर कौए बहुत हैं यार, बहुत सारे कौए हैं। सो अभी चलते हैं, और जस्ट यहाँ से सामने एक स्टैचू है, नाम नहीं पता भाई किस चीज़ का है, महात्मा गांधी पार्क है वैसे तो ये एमजी पार्क कोलम, और इसमें ये स्टैचू है एक, अब इनका नाम नहीं पता मुझे भाई ये कौन है। अभी बहुत होने लगी और समथिंग 2 बज गए हैं, सो 2 बज गए हैं, खाया कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, पाइनएप्पल खाया है, हाँ भाई अच्छा टेस्ट था, ऐसे कुछ रखा था, तो
बड़ा खट्टा मीठा लग रहा था। हेलो कोलम। सो आप कहाँ पे जाना है भाई? ये बस भी यहाँ पे आ रही है। चैनल या भाई भाई। सो गाइस ये लोग हमें मिल गए हैं, दोस्त लोग। तो भैया फैन फॉलोइंग हो गई है कुछ एक्सप्लोर की। चेटा वनकम गुड मूवमेंट है यार, मूवमेंट है। ओके एक अच्छा ही मूवमेंट था यार भाई के इतने बड़े फॉलोअर, पॉपुलर, इतने बड़े ना है भैया, इतने बड़े यूट्यूबर है इंडिया के हमारे। अरे आने वाले टाइम में हो जाएंगे। ओ भाई बी पॉजिटिव यार भाई, ये भी सब्सक्राइब ही करवाएंगे भाई। बिल्कुल आज सब्सक्राइब करवा रहे हैं मगर कल लोग करेंगे। जितेंद्र, माय नेम इज जितेंद्र, चैनल नेम क्विक एक्सप्लोर। या YouTube कूल। ओ ब्रो यार भाई का हेयर स्टाइल किलर ही लग रहा है, रणवीर सिंह लग रहा है यार एकदम। थोड़ा तत्तण तत्तण करके दिखाओ। मियां अगर फैन भाई डांस वांस करते हो क्या? यू डू डांस? हां कूल। सम एनी स्टेप? या कूल यार, कूल। व्हाट अ क्राउड यार, व्हाट अ गाय, सुपर प्लेस भाई, प्लेस भाई, प्लेस भाई। लखनऊ, लखनऊ फ्रॉम यूपी, दिस गाय इज फ्रॉम एमपी। त्रिवेंद्रम से सुपर यार, फॉर श्योर। एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट यार, यू लुक लाइक ब्रो, यू लुक लाइक रणवीर सिंह, डू डांस लाइक द सेम। हां कूल, बाय, टेक केयर, जस्ट से लाइक शेयर एंड कमेंट। चलो यार कुछ हो ही सा गया, ये हो जाता है। हमें एक दो फॉलोअर्स मिल गए जिनको हमने किसी को फॉलो भी करवाया, किसी ने हमें फॉलो भी किया। आने वाला टाइम आएगा जब लोग ढूंढ के फॉलो करेंगे। अरे तो बैकग्राउंड में आप नज़ारा देख रहे हैं बीच का, ये कुछ है नज़ारा बीच का। और यहाँ से हम लोग साइन ऑफ कर रहे हैं, तो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से यार। बीच आप देखो क्या लग रहा है। ठीक है, हम एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग अभी दिखाएंगे। गुड 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 गुड, वॉल पेंटिंग। चलो देखते हैं। अरे गुड गुड, क्या है यहाँ पे? क्या ही है? अरे ये तो मच्छी अच्छी है, फिशरमैन्स बे। ये दिखाओ भाई पेंटिंग, यहाँ पे भाई मेसी है ना ये? हाँ हाँ मेसी भी है अपना, रोनाल्डो भी है। फिशरमैन्स बे सी फूड रेस्टोरेंट है भाई, यहाँ तो फुटबॉल्स के सारे ही प्लेयर्स हैं। ये सी फूड का रेस्टोरेंट, आई थिंक सी फूड मिलता है। कुछ कहना चाहोगे इस बीच के बारे में? अच्छा है, बहुत ही अच्छा, शांत, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, बहुत भीड़ नहीं है। सेम लाइक जैसे हम लोग मरीना बीच जाते हैं तो बहुत ही भीड़ होती है। हाँ मरीना बीच, और आई थिंक शाम को आने का टाइम बहुत बेटर रहेगा क्योंकि थोड़ा सा ना स्क्राउचिंग हीट है अभी। डे टाइम भी है ना, डे में मोस्टली एवरी बीच पे हीट रहता ही है, बट शाम के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे दिस इज गुड नाइस। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आप बैठ के यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, रिलैक्स है, लोग बहुत ही वेलकमिंग है। चाहे आप किसी भी ऑटो वाले भैया हैं, चाहे वो कोई भी पब्लिक मिल रही है, यहाँ के लोग मिल रहे हैं, ये ऑल आर वेरी वेलकम। और लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है हमें अभी तक, कोई भी ऐसा लैंग्वेज का इशू फील नहीं हुआ। ऑटो वाले भैया अच्छे से हिंदी भी बात कर रहे हैं, जो नहीं भी कर पा रहे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि लूट है यार, जाने समय स्टेशन से कोई बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, रीजनेबल प्राइस है, रीजनेबल प्राइस। और इवन हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की बॉटल्स भी यहाँ से ली जो कि रीजनेबल प्राइस है, दैट्स गुड। बाकी ये भाई बीच वाला एरिया है, थोड़ा और अपन वॉक करके आगे तक चलेंगे, देखेंगे। नहीं चलेंगे, कोई लेट ना होगा। अरे वहाँ पे भी तो अपन को एक्सप्लोर करना है। अरे अन्ना कुछ लेट नहीं होगा, थोड़ा चलें देखें वहाँ पे क्या है। तो भाई बीच के साइड पे आए, आइसक्रीम ना खाई, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। बट जाते टाइम आइसक्रीम हमने ले ली, वो भी मैंगो, मैंगो ड्यूट, बहुत अच्छा टेस्ट यार। खोलते इसे खाते हैं, कैसा है? बहुत ही अच्छा, स्पार्कलिंग एंड ऑथेंटिक टेस्ट लग रहा है, कुछ इसमें मिक्स नहीं लग रहा है सच में यार, बहुत बढ़िया टेस्ट। आहा भाई सोचा नहीं था यार
ऐसा भी मिल जाएगा। हाय हाय विपिन, कैसा है भाई? तो वहाँ पे आई थिंक शिपयार्ड है यार, बट काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, हम लोगों को आगे की लोकेशन पे निकलना है। सो अब यहाँ से कोलम बीच से चलते हैं सीधा बस स्टॉप की तरफ। सो अभी तक जो आपने देखा वो था कोलम बीच, और बैक में कोलम बीच ही है। अभी हम लोग यहीं पे थे, बढ़िया आइसक्रीम वगैरह खाए, एक दो लोग मिल गए थे उनसे भी मिले, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा। समथिंग 2 से 3 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे टाइम बिताया, और अभी हम लोगों को जाना है नेक्स्ट लोकेशन पे। सो वहीं पे जाने की तैयारी हो रही है। अभिलाष बात कर रहा है अपने फ्रेंडों से कि भाई यहाँ से कैसे जाए, तो ये वाला वीडियो यहीं रखें। हाँ बिल्कुल भाई। सो कुछ कहोगे इस बीच के बारे में? दो सब बीच तो बहुत अच्छा था यार, अच्छा था ना? हाँ, एक अच्छा माहौल था। एक ऐसा करते हैं, ऑटो कर लेते हैं। हाँ तो अभी हम लोग इस बीच से निकल रहे हैं, और ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। ऑटो लेके जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए।